अफगानिस्तान में भुखमरी जैसे हालात। तालिबान राज लौटने से अफगानिस्तान में लोगों की जिंदगी जहन्नुम हो गई है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के कारण गरीबी दर लगातार गिरती जा रही है। आलम यह है कि पैसों की कमी के चलते लोग दो वक्त का खाना तक नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन भुखमरी से बचने के लिए लोग अपने घरों के सामान बेचने को मजबूर हैं। गरीबी का आलम यह है कि लोग लाखों के सामान को महज कुछ हजार में बेच रहे हैं। इस अफगानिस्तान के लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में एक पार्क चमन ए होजोरी की तरफ जाने वाली सड़क पर कालीन, फ्रिज, टेलीविजन, सोफा समेत घर के कई सामान रखे हैं, जिनको लोग अपने परिजनों के राशन का इंतजाम करने के लिए सड़कों पर बेचने के लिए बैठे हैं। लाखों का सामान हजारों में बेच रहे हैं लोग। भुखमरी का आलम यह है कि लोग एक लाख के सामान को महज 20,000 रुपए में, 25,000 के फ्रिज को महज 5,000 रुपए में बेचने को मजबूर है। सामान बेचने वालों में कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान राज में अपना गुजारा करने के लिए सामान बेच रहे हैं, तो कई देश छोड़कर जाने के लिए सामान बेचकर पैसा जुटा रहे हैं, और जिस कारण महंगे से महंगा सामान फिर से कौड़ियों के भाव में बिक रहा है। बाजारों में पूर्व पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं। तालिबान राज लौटने से पूर्व के अधिकारियों की नौकरी खत्म हो गई है, पेंशन, वेतन सब कुछ बंद हो गया है, और जिस कारण वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बाजारों में काम कर रहे हैं। बड़े से बड़े और पढ़े लोग भी तालिबान राज में बेरोजगार घूम रहे हैं। एक महीने पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तो देश से बाहर जाने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर हालात बदतर हो गए थे। वहां न सिर्फ तालिबान का खौफ था, बल्कि खाने पीने के जो सामान थे उनके दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे थे। आलम यह था, पानी की एक बोतल $40 यानी करीब 3,000 रुपए और एक प्लेट चावल के लिए $100 यानी करीब 7,500 रुपए चुकाने पड़ रहे थे। इसके लिए भी सिर्फ डॉलर ही देने पड़ रहे थे, क्योंकि लोकल करेंसी अफगानी में कोई सामान नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान में भी पैट बढ़ा रहा है तालिबान। तालिबान को सत्ता में आए करीबन एक महीना पूरा होने को है, और तालिबानी कट्टरवाद अब सीमा पार कर पाकिस्तान में पैट बढ़ा रहा है, जिस कारण राजनीतिक पार्टियों से पाकिस्तान की जनता का मोह भंग हो रहा है। शरिया कानून लागू करने, तालिबान की तर्ज पर सरकार बनाने के सुर उठ रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान के कुछ लोग तो अफगानिस्तान में तालिबान राज को आध्यात्मिक वरदान साबित करने की कोशिशों में जुटे हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्लाम और साथ ही कट्टरवादी वहाबी इस्लाम की जड़ें गहरी हो रही हैं। आप बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को पाकिस्तान का सैन्य समर्थन हासिल है, और ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का तालिबान की तरफ रुझान होना स्वाभाविक जान पड़ता है। उल्टा भी पड़ सकता है दांव। पाकिस्तानी हुकूमत और सेना भले ही तालिबानी सरकार के गठन पर उछल रही हो, लेकिन ये दांव पलटवार भी साबित हो सकता है। इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट की माने तो तहरीक तालिबान जैसे प्रतिबंधित संगठन अपना दायरा बढ़ा सकते हैं, और साथ ही आम नागरिकों पर तहरीक के हमले बढ़ने की आशंका है। तालिबान के समर्थन में इमरान खान। एक तरफ जहां तालिबान के कट्टरपंथ को लेकर विश्व के आधे से ज्यादा देशों ने साफ कर दिया कि वो तालिबान को मान्यता नहीं देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के इस्लामी कट्टरपंथ के समर्थन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खुलकर उतर आए हैं, और कुछ वक्त पहले महिलाओं को कपड़ों पर भी तकियानुसी बयान दे डाला था, और जिस पर उनकी काफी निंदा हुई थी। तालिबान से पाक में इस्लामी हवा। आपको बता दें कि 1996 से 2001 तक तालिबान राज था, और जिस दौरान पाकिस्तान में जिहादी संगठन और इस्लामिक कट्टरपंथियों को हवा मिली, जिन्होंने पाक में शिया और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया, और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा जमाया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया। बहरहाल अफगानिस्तान में हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। वहीं तालिबान राज से पाकिस्तान में फिर से इस्लामिक कट्टरपंथी देखने को मिल सकती है, और जिससे अल्पसंख्यक समुदाय फिर से खतरे में होंगे। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।